नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी सिंह एक बार फिर अपने ईवीएस के क्लास में ए अंडर स्कोर कोचिंग एट द रेट ऑफ अनंत क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज मेरी ईवीएस की क्लास नंबर है 20। क्वेश्चन है हमारा, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम का आविष्कार किस साइंटिस्ट ने किया था? ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है, चार ऑप्शन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, आइजक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन और मैरी क्यूरी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा, आंसर हमारा राइट होगा, मैरी क्यूरी ने इसका आविष्कार किया था रेडियम का। तो अब बात कर लेते हैं कि इन तीनों ने भी किस चीज का आविष्कार किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आविष्कार किया था लाइटनिंग रॉड और बाइफोकल। ठीक है, और भी इसके आविष्कार हैं बट ये फेमस हैं किस चीज के लिए? लाइटनिंग रॉड और बाइफोकल ग्लास के लिए। ठीक है, अब है आइजक न्यूटन। न्यूटन ने तो बहुत सारे आविष्कार किए जिसकी कोई सीमा नहीं है, बट इसका मेन था कौन सा? ग्रेविटी, जिसमें आपको याद होगा हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या लॉज ऑफ न्यूटन, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, तो लॉज ऑफ न्यूटन का भी है। और न्यूटन ने अपने तीन लॉ दिए थे हमारे, वो तो है ही न्यूटन्स लॉस, और साथ में से मेन था इनका लॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने भी बहुत सारे आविष्कार किए हैं जिसमें इनका मेन है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी, ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन्होंने बताया है, और साथ के साथ इन्होंने बताया है आपको थ्योरी ऑफ, हाँ, रिलेटिविटी और थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स भी इन्होंने बताया, मतलब बताने का इन लोगों ने बहुत सारे आविष्कार किया। ऐसा नहीं है कि मैरी क्यूरी का आविष्कार सिर्फ रेडियम है, ये नहीं है, ये तो है ही, लेकिन जो क्वेश्चन था हमारा कि साइंटिस्ट जिसने आविष्कार किया रेडियम का, तो हमने कहा मैडम क्यूरी ने किया है, लेकिन साथ के साथ मैंने आपको इनका भी बताया, इन लोगों ने भी आविष्कार जो है यही सिर्फ नहीं है, बट ये फेमस किसके लिए है ये बात हो रही है। बेंजामिन फ्रैंकलिन लाइटनिंग रॉड एंड बाइफोकल के लिए, न्यूटन ग्रेविटी या लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और आप कह सकते हो जो न्यूटन की तीन लॉज उन्होंने दी है उसके लिए भी फेमस है वो, ऑब्वियस सी बात है। आइंस्टाइन का मेन जो है वो क्या है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है और क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बताया है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया है, और साथ के साथ आपको इन तीनों साइंटिस्ट के बारे में पता चल गया। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए सवाल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।